हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से क्लास में आ जाइए, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी से आएंगे, माफ़ी चाहेंगे आज थोड़ा सा लेट हुए हैं क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, क्लास स्टार्ट नहीं हो रही थी। चलिए आ जाइए जल्दी से, सभी लोग आएंगे। आज हमें 10वां मॉडल पेपर स्टार्ट करना है ना। आएंगे सभी लोग फटाफट से क्लास में, और एक बार कंफर्म करिए कि आवाज क्लियर है। कंफर्म करिए हमारी आवाज बिल्कुल सही है, आप लोग सुन पा रहे हैं हमें, सभी लोग बताएंगे। चलिए शाबाश। वेरी गुड, जी मैम सही है। चलिए वेरी गुड, सभी लोग जुड़ रहे हैं, एंड जो नहीं जुड़े हैं फटाफट से जुड़ जाइए, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करें। एंड आज जो अपना मॉडल पेपर है वो है 10वां मॉडल पेपर। ठीक है, तो आ जाइए जल्दी से, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है, आपको हम एक बार टाइमिंग बता देते हैं, जो बच्चे न्यू हैं या फिर जिन्हें नहीं पता है, दोपहर में 2 बजे आपकी क्लास चल रही है, जिसमें आपकी जो राकेश गोस्वामी सर की फर्स्ट बुक है उसके एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको 2 बजे जुड़ना है। ठीक है, एमसीक्यूज हो रहे हैं, और 7 बजे जो है राकेश गोस्वामी की ही दूसरी बुक चल रही है, यहाँ भी आपके एमसीक्यू हो रहे हैं। और रात को 9 बजे तीसरी क्लास चल रही है, इसमें भी एक बुक चल रही है और यहाँ पर भी आपके एमसीक्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो तीनों टाइम आपके एमसीक्यू की क्लास हो रही है, तो आपको तीनों टाइम जुड़ना है, दोपहर में 2 बजे, 7 बजे, 9 बजे। ठीक है, तो ये 3 टाइम आपको बिल्कुल से उछल कूद मचानी है इसी में। मैम कहाँ हो आप ही के पास हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं है। चलिए मैम, 2 बजे की क्लास की लिस्ट कौन सी क्लास में मिलेगी? आप लोग वीडियो वाले सेशन पे जाना, डायरेक्ट मिल जाएगी आपको, उसकी हमने प्लेलिस्ट नहीं बनाई है। ठीक है, हमने उसकी प्लेलिस्ट नहीं बनाई है, आप डायरेक्टली देखिएगा, 1 2 3 करके आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। 17 मई 2017 को राजा रवि वर्मा की एक पेंटिंग है दमयंती, बताना है कि सुदबी के न्यूयॉर्क सेल ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड कंटेम्प्रेरी साउथ एशियन आर्ट में कुल कितने करोड़ रुपए में बिकी थी। थोड़ा सा धुंधला है, लीजिए बताना है आपको। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, ये ऑप्शन डी होगा, ये है 11.09 करोड़ रुपए में। ठीक है, शाबाश, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार जो है वो किस काल में होता है? पुरापाषाण, नव या फिर शैंधव या मध्य, क्या होगा आंसर सेकेंड का? और हाँ, एक चीज़ और याद रखना, आज रात को 9 बजे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, लाइव क्लास होगी, तो आपको रात को 9 बजे जरूर जुड़ना है। ठीक है, आज रात को जो 9 बजे होगी ना, वो लाइव होगी, फेस टू फेस वाली, तो आप लोग उसमें ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही है, मिट्टी के बर्तन की बात हो रही है, ऑप्शन बी होगा, नवपाषाण काल में। ठीक है, नेक्स्ट बताना है, सन 2008 ईस्वी में सूजा की पेंटिंग बर्थ, जिसको जन्म बोलते हैं, इसको क्रिस्टी के नीलामी में टीना अंबानी ने कितने रुपए की बोली लगाकर खरीदा था, बताइए। और आज हमने जितने भी 9 मॉडल पेपर कंप्लीट पढ़ा दिए हैं, उसकी हमने पीडीएफ डाल दी है टेलीग्राम में, 9 मॉडल पेपर तक के जितने भी क्वेश्चंस हमने करवाए हैं, पूरे 9 प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम ग्रुप में हमने डाल दिए हैं, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, 11.3 करोड़। ठीक है, आगे जैन लघु चित्रों का जो प्रमुख विषय है वो पूछा जा रहा है, क्या है बताइए, क्या होगा? वेरी गुड, जैन की बात हो रही है, तो तीर्थंकर और उनकी जीवनी। ठीक है, ऑप्शन ए होगा।
प्रथम ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित भारतीय कौन हैं? सलमान रुश्दी, किरण देसाई, भानु अथैया, आमिर खान। बताइए क्या होगा आंसर। हाँ, सभी लोगों को गुड इवनिंग। टाइम से आया करें सभी लोग, ठीक है। हाँ चलिए, आ जाइए जल्दी से। कृत्य का बताना है आपको। पहला ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित जो भारतीय हैं, ये पूछा है। हाँ, आंसर होगा ऑप्शन सी, ये भानु अथैया, ठीक है। नेक्स्ट है, भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? 1, 2, 17, 16, बताइए। भिक्षुक बुद्ध पूछा गया है, अजंता की कौन सी गुफा में है? वेरी गुड, ऑप्शन सी होगा, गुफा संख्या 17 में। किसका चित्र है? गुफा संख्या 17 में याद रखना है, भिक्षुक बुद्ध का, ठीक है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग कैसे हैं? गेरुआ है, काला। सिंपल से क्वेश्चन है, गलत नहीं करेगा कोई भी, ठीक है। और क्लास अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर भी करना है, कमेंट वगैरह सब कुछ करते जाना है, ठीक है। सातवें का बताना है क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, गेरुआ। नेक्स्ट, एनएस बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था, बताइए क्या होगा। एनएस बेंद्रे का शिष्य पूछा है, कौन नहीं है, याद रखना है, केस कुलकर्णी नहीं है, बाकी सभी हैं, ठीक है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में है, बताइए। चित्रकार हैं, कवि हैं, मूर्तिकार हैं, कहानीकार हैं, बताइए। चलिए नौवें पे आइए, आपने पढ़ा होगा, ऑप्शन बी कवि। आगे नेक्स्ट है, मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी प्रसिद्ध कृति है? वीएस नायपॉल, सलमान रुश्दी, अरुंधति राय, अरविंद अडिगा, बताइए। टेंथ का क्या होगा, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए अपनी। मिडनाइट चिल्ड्रन पूछी है, सलमान रुश्दी हो जाएगी, ठीक है। बताना है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की स्थापना कब होती है? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की स्थापना पूछी जा रही है आपसे, 1990, 82, 64, 72, क्या होगा आंसर, सभी लोग बताएंगे। तो क्राफ्ट की बात हो रही है, ऑप्शन सी होगा, 1964, ठीक है। वेरी गुड, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है, लाल चेस पर निर्मित एक धड़ जो कि 9.5 सेंटीमीटर ऊंचा है, ये हमें कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है ये चीज़ आपको बताना है। 125 करवाएंगे आज हम, ठीक है। अनुज सक्सेना जी, जो 2 बजे क्लास चलती है उसकी हमने अभी प्लेलिस्ट नहीं बनाई हुई है, आप लोग कहेंगे तो हम बना देंगे, ठीक है। अब पढ़िए इसको, बताइए 12 का क्या होगा। हाँ वेरी गुड, ऑप्शन ए ये मिली है हड़प्पा से, ठीक है। आगे चलते हैं। तैयब मेहता को उसके किस चित्र के लिए नई दिल्ली का प्रथम त्रिनाले स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है, बताना है। महिषासुरमर्दिनी, काली, फॉलिंग फिगर, गेस्चर, बताइए। 31 का क्या, सॉरी 13 का क्या होगा। हाँ ऑप्शन सी, फॉलिंग फिगर के लिए, ठीक है। स्पीड बढ़ाया चलती रहिए क्योंकि 125 करवाएंगे आज हम, 2 दिन से रेस्ट है ना, आज फास्ट करते हैं। भारत में प्रथम क्राफ्ट स्कूल की प्रारंभ जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, बताइए। 14 का क्या होगा, प्रथम क्राफ्ट स्कूल की प्रारंभ पूछा है। हाँ आंसर बी होगा, चेन्नई में, ठीक है। आगे, ग्रुप 1890 के संस्थापक कौन थे, जे स्वामीनाथन, जे राम पटेल, राजेश मेहरा, गुलाम मोहम्मद शेख, बताइए जल्दी से। आप लोग होशियार बच्चे हैं ना, तो फिर स्लो क्यों चलते हैं। ऑप्शन ए, जे स्वामीनाथन, ठीक है। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घ नई दिल्ली के प्रांगण में स्थापित वट वृक्ष स्टेनलेस स्टील से बना है, किसकी कृति है, बताइए। भारती खेर, सुबोध गुप्ता, परमेश मैती, अनीश कपूर। हाँ स्पीड बढ़ा लीजिए आप लोग, शाबाश। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है सुबोध गुप्ता, ठीक है। आगे चलते, थोड़ा स्पीड बढ़ाए रहेंगे ना तो आप ही लोगों को सहूलियत रहेगी, वरना आप लोग फिर बोलेंगे कि हमें बोरियत लग रही है। बताइए, 1928 ईस्वी में 3 अन्य कलाकारों के साथ किसको लंदन के इंडिया हाउस की दीवारों पर चित्र अंकन का कार्य सौंपा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बताना है। ललित मोहन सेन, असित कुमार हल्दार, रणवीर सिंह बिष्ट, पतिनाथ आर्य, बताइए क्या हो जाएगा आंसर आपका। 17, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा,
ये हैं ललित मोहन सिंह, ठीक है, इंडिया हाउस की दीवारों पर, ठीक है, लंदन में। नेक्स्ट है सिंगनपुर की खोज कब होती है बताइए, 18वें पे आइए, 18वें पे फटाफट से। सिंगनपुर की पूछा है खोज कब होती है, तो याद रखना है 1910 ईस्वी में होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पूछा जा रहा है 11 सितंबर 2013 को सैंपो नॉट के नीलाम की गई सूजा की कलाकृति है द मैन फ्रॉम आफ्टर, इसको कितने करोड़ रुपए मिले थे, 10.25 करोड़, 8.12 करोड़, 5.8 करोड़, 15.3 करोड़, बताइए क्या होगा। 19 पे आएंगे थोड़ा स्पीड बढ़ा के, हाँ आंसर की बात करेंगे 8.12 करोड़ होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जितने भी करोड़ वाले हैं ना आज हम करोड़ मतलब कि जितने भी नीलामी वाले हैं आज हम नीलामी वाले क्वेश्चंस ही मिलेंगे ज़्यादातर, और कल हमने शब्दार्थ वाले देखे थे, ठीक है। ऐसे ही डेली आपका एक एक टॉपिक निपटता जाएगा। पूछा जा रहा है स्त्रियों के मस्तक पर चंद्राकार तिलक किस शैली के मतलब किस शैली में मिलते हैं बताइए, बताइए 20 का बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है चंद्रकार तिलक की बात हो रही है गढ़वाल, ठीक है। आगे चलते हैं, कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था, कुशनलाल, श्यामलाल, रामलाल, नैनसुख, क्या होगा आंसर, चलिए स्पीड बढ़ा के चलना है ना आप लोगों को, शाबाश आप अच्छे बच्चे हैं ना, वेरी गुड। चलिए 21 का नंबर बताना है, चलिए ठीक है। पूछा है कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार, ऑप्शन ए हो जाएगा कुशनलाल, ठीक है। आगे ऐतिहासिक काल की भारतीय चित्रकला के प्राचीनतम उदाहरण कौन से हैं, भीमबेटका के गुफा चित्र, जोगीमारा, अजंता, शांति निकेतन, कहाँ के, 22 पे आएंगे फटाफट से। एंड आंसर की बात करेंगे, ऐतिहासिक भारतीय प्राचीनतम उदाहरण पूछा है, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है जोगीमारा के गुफा चित्र, ठीक है। आगे बताएंगे शोधरा द्वारा राहुल समर्पण का चित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, बताना है यशोधरा द्वारा राहुल समर्पण का चित्र कहाँ है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, गुफा संख्या 17 में है, ठीक है याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पूछा जा रहा है लियोनार्डो द विंची का जन्म होता है कब होता है, 1550, 81, 52, 30, चलिए बताइए क्या होगा, शाबाश बहुत अच्छी रिप्लाई आ रही है आप लोगों की, वेरी गुड, ऑप्शन सी 1452 में। चर्चित पेंटिंग है काशी किसकी है बताइए, काशी किसकी है, वेरी गुड शाबाश, चलिए आंसर करेंगे फटाफट से, 25 का क्या होगा, चलिए काशी की बात हो रही है मदनलाल नागर, ठीक है। आगे चलते हैं, हरिपुरा पोस्टर्स के लिए विख्यात कौन रहे, हरिपुरा की बात आ रही है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऑप्शन डी नंदलाल बोस हो जाएंगे। नेक्स्ट है मिर्ज़ापुर क्षेत्र कैमूर रेंज, इससे प्राप्त गुफा चित्रों की जो खोज हुई है वो सबसे पहले किसने की है, मेनली मिर्ज़ापुर पूछा रहा है, एंड मिर्ज़ापुर की बात आएगी तो कौन आएगा, हम मिर्ज़ापुर के कार बोल रहे हैं, ठीक है कार्लाइल। आगे नेक्स्ट, घायल सुअर कहाँ से मिला है बताओ, घायल सुअर भंडरिया हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है, ठीक है ये सिंपल सिंपल हम छोड़ते जा रहे हैं। आगे है सिंधु सभ्यता में चित्रकला की सबसे अधिक सामग्री कहाँ मिली है, सिंधु सभ्यता में चित्रकला की सबसे अधिक पूछी है कहाँ से मिली है, तो याद रखना है बिल्कुल ऑप्शन पे आइए जल्दी से, 29 पे, हाँ ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, ये पात्रों पर मिली है, ठीक है याद रखना है 29 ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पटना शैली का उत्थान समय पूछा जा रहा है आपसे बताइए, उत्थान का समय ऑप्शन बी 19वीं शताब्दी, ठीक है। आगे चलते हैं, पूछा जा रहा है मैसूर शैली किस राजा के संरक्षण में अत्यधिक उन्नति को प्राप्त हुई है, कृष्णराज, कृष्णदेव, कृष्ण प्रथम, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा आंसर की बात करेंगे, मैसूर शैली किस राजा के संरक्षण में रही है, तो आंसर होगा आपका कृष्णराज, ठीक है ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दीवानी लैला किसका चित्र है, अब्दुल रहमान चुगताई, एम एफ हुसैन, गुलाम मोहम्मद शेख, नसरीन मोहम्मदी, क्या होगा 32 का,
दीवानी लैला। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ए आर रहमान हो जाएगा चुगताई। ठीक है, याद रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, आंसर की बात करते हैं नेक्स्ट पर। के हैबर का प्रसिद्ध चित्र है मुर्गों की लड़ाई, ये कहाँ संग्रहित है पूछा जा रहा है आपसे। के मुर्गों की लड़ाई कहाँ पर है ये, तो ऑप्शन ए होगा, ये चंडीगढ़ संग्रहालय में है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर फिल्म पर हुसैन को कौन सा पुरस्कार मिला था। आंसर होगा ऑप्शन बी, गोल्डन पियर मिला था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। बनारस के घाटों का चित्रण इनमें से किसने किया है, राम कुमार, बद्रीनाथ आर्य, के एस कुलकर्णी, एस एच रजा। एक काम करते हैं, आज हम 65 क्वेश्चन ही रखते हैं। ठीक है, आज हम 65 क्वेश्चन ही रखते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों जाने कैसा लग रहा है, तबीयत सी बिगड़ रही है हमारी। 35 को बताना है, बनारस के घाटों का जो चित्रण किया है किसने किया है, ऑप्शन ए हो जाएगा, राम कुमार ने। आगे, प्रणय दूत चित्र के चित्रकार कौन है बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, अवनींद्रनाथ। आगे, प्रसिद्ध चित्रकार जो वास्तुकार भी हैं बताइए। 37, चलिए आगे चलते हैं। वास्तुकार पूछे हैं, ऑप्शन बी, सतीश गुजराल। नेक्स्ट, कौन सा चित्रकार कला समीक्षक, इतिहासकार और कला शिक्षक भी है, क्या होगा। प्रणय दूत जीएन टैगोर का है। प्रणय दूत पूछे हैं, हाँ गगनेंद्रनाथ का है। ठीक है, हमने लगता है अवनींद्रनाथ बोला था। ठीक है, हाँ इसको सही कर लीजिए आप लोग। चलिए इसका बताना है आपको, 38, हाँ चित्रकार पूछा है, कला समीक्षक, इतिहासकार और कला शिक्षक भी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है रतन परिमू। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ की पुस्तक है जीवन स्मृति, इसके लिए किसने चित्र बनाए हैं, नंदलाल बोस, गगनेंद्रनाथ, अवनींद्रनाथ, असित कुमार हल्दार, बताइए 39 का क्या होगा। जीवन स्मृति है, आ जाइए, गगनेंद्रनाथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।